हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करूँगा कि आप सभी ठीक होंगे। और चलो, आज हम आगे हैं हमारे खेत पर, जो कल 2-3 दिन तक बारिश हुई थी। और देखते हैं हम क्या कोई हमारे खेत पर कोई प्याज में रोग आ रहे थे, क्या वो रोग आए या नहीं, देखते हैं। अब की बार भी पिछली बार की तरह जलेबी रोग आने की संभावना बनी हुई है। चलो देखते हैं। और ये मेरी पहली वीडियो है, प्याजों में ऐसे कोई रोग की संभावना नहीं है। वैसे हमारी प्याजों में कुछ परसेंट रोग तो है, लेकिन ऐसी कोई खास खास रोग है नहीं। ऐसे ठीक है, बारिश के कारण कुछ रोग की संभावना बढ़ गई थी, लेकिन बारिश के मौसम खुल जाने के से शायद प्याज बच जाएंगे। इसकी बार पिछली बार की तरह नहीं हो पाएगा। और ये देखिए, यहाँ पर कुछ, ये देखिए, ये जलेबी रोग है। ये बारिश के कारण फलों में पानी भर जाता है, इसके कारण ये जलेबी रोग बन हो जाता है। और देखिए, हाँ, उधर की साइड को हमारे पास ज़्यादा रोग की संभावना है। यहाँ उधर की साइड रोग आया है हमारी जलेबी, लेकिन अब बारिश खुल जाने से अच्छा हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इधर की तरफ भी है। अब की बार रोग ऐसा नहीं है, पिछली बार लगभग सभी प्याज खत्म हो गई थी। आगे बार ठीक है, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमने इनमें कुछ दवाई भी दी थी जिससे ये रोग ना आए, लेकिन उसने असर तो किया, परंतु कुछ कमी रह गई शायद उसमें। हमने इसमें एक सेफ और कीटनाशक टॉनिक, कुछ और कपूर की गोली, फिनाइल और लारा नाइश 99, और भी हमने कुछ और दवाई भी दी थी, पर अब की बार भी हमारे यहाँ किसान बहुत घाटे में गए हैं। क्या पिछली बार की तरह अब की बार हमारे गांव का 1.5-2 करोड़ का नुकसान हुआ है प्याजों के कारण? लेकिन अब शायद बच जाएं तो ये बराबर में रह जाएंगे, अगर नहीं बची तो कम से कम 1.5-2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे गांव में अधिकतर लोग बाग प्याज ही करते हैं। हमारे यहाँ पर प्याज अधिक से अधिक मात्रा में होती है। देखिए, हमारे पड़ोसी खेत में भी कुछ नहीं, बहुत अधिक ही रोग है। हमारे यहाँ पर भी नहीं है, देखिए, लेकिन क्या अपन बहुत अधिक रोग है, इससे कम है हमारे, ऐसे कोई बात नहीं। ज़्यादा इनके लगभग 70 प्याज ख़त्म हो चुके हैं। इसमें लगभग 80,000 का खर्चा आया था कर्ण से लेकर अब तक का। और पिछली बार भी इनकी इन्होंने पूरे खेत में की थी, 2 लाख का खर्चा आया था। आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम अगले वीडियो अच्छे और बेहतर वीडियो के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।